हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेमास किचन वंस अगेन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कर्ड राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस गर्मी में कर्ड राइस बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको कुछ झटपट बनानी हो और टेस्टी खानी हो तो जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें। सो लेट्स मूव टू माय मस्त किचन टू प्रिपेयर कर्ड राइस। कर्ड राइस के लिए हमें चावल को थोड़ा ज्यादा देर तक पकाना पड़ता है। नॉर्मल चावल जैसा एक खिला खिला नहीं बनता है, इसे सॉफ्ट बनाना पड़ता है। यहाँ पर मैंने एक कप चावल को आधा घंटा के लिए पानी में भिगो के रखे थे। उसके बाद एक सॉस पैन में 3 कप पानी में उस चावल को पका रहे हैं। चावल के साथ हमें इन चीज़ों का आवश्यकता है: 1 हरी मिर्च, 8-10 करी पत्ता, 1 सूखा लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच चना दाल, 1 छोटी चम्मच उड़द दाल, 2 बड़ी चम्मच मूँगफली। मूँगफली को हम माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके साथ चाहिए 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 1/2 छोटी चम्मच सरसों, और चाहिए 1 कप दही। दही बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए, ये घर में बनाया हुआ दही है। ये देखिए दोस्तों, 15 मिनट हो गया है। आप अगर हम पानी ड्रेन कर दें तो ये नॉर्मल खिला खिला चावल बन करके तैयार होगा। हम इसे 5 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए, 5 मिनट बाद पानी ऑलमोस्ट सूख गया है। हमें पानी को पूरी तरह सूखा देनी है। पानी को पूरी तरह सुखाने के लिए हम फ्लेम हाई कर देंगे। ये देखिए, हाई फ्लेम पर हम चावल को 2 मिनट और पकाएंगे ताकि पानी पूरी तरह सूख जाए। अभी पानी सूख गया है और चावल भी बिल्कुल सॉफ्ट बन करके तैयार है। गैस बंद कर देंगे, चावल को ढक देंगे और ढक करके 10 मिनट रखेंगे। तड़के के लिए सारे इन्ग्रीडियंट्स हम काट करके तैयार रखेंगे। हरी मिर्च को बड़े बड़े काट लिए हैं और मूँगफली का छिलका निकाल लिए हैं। आप कर्ड राइस के लिए परफेक्ट सॉफ्ट चावल बन करके तैयार है। चावल को हम 15-20 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम एक मेजरिंग कप से नाप करके हम 1 कप चावल लेंगे। ये देखिए, चावल को हम एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। अब उसी मेजरिंग कप का 1 कप दही हम चावल में ऐड कर देंगे। हाँ दोस्तों, जितना चावल लेंगे उतना ही दही लेंगे आप। दही चावल में हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अच्छे से चावल और दही को हम मिला देंगे। चावल और दही को हम अच्छे से मिलाने के वक्त अगर कोई गुठलियाँ रह जाए तो उसे हम चम्मच से तोड़ देंगे। चलिए अब हम तड़का बनाते हैं। तड़का बनाने के लिए गैस पर एक छोटा सा पैन रखेंगे और उसमें 1 छोटी चम्मच घी ऐड करेंगे। घी गर्म हो जाने पर 2 चुटकी हींग डालेंगे, सूखा लाल मिर्च ऐड कर देंगे, चना दाल ऐड कर देंगे, ये देखिए, उड़द दाल ऐड कर देंगे, जीरा ऐड कर देंगे, सरसों ऐड कर देंगे, हरी मिर्च जो बड़े बड़े चॉप करके रखे थे उसे ऐड कर देंगे, अंत में करी पत्ता ऐड कर देंगे। इन सारे चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। चना दाल ब्राउन हो जाने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, चना दाल ब्राउन हो गया है। तड़का की एक बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इस तड़का को हम दही और चावल में ऐड कर देंगे। अब इस तड़के को हम अच्छे से दही चावल के साथ मिला देंगे। मूंगफली ऐड कर देंगे। मूंगफली को आप तड़का पैन में भी तेल में फ्राई कर सकते हैं। मैं तेल में फ्राई करना अवॉइड करने के लिए इसे माइक्रोवेव में रोस्ट कर लिए हैं।
सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला दिए हैं। दोस्तों ये कर्ड राइस बन करके तैयार है, ये बहुत ही जल्दी बनता है। दोस्तों ये कर्ड राइस बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आपने देखा, अगर चावल बना हुआ हो और दही जमा हुआ हो तो फिर इसे बनाने के लिए बस सिर्फ 5 मिनट ही लगता है। गर्मी में इसे खाना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको कुछ झटपट बनानी हो और टेस्टी खाना हो तो इसे ज़रूर बनाएं। कर्ड राइस को हम धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे, आप इसे सर्व करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का रेसिपी, इसे अपना किचन में ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माई मस्त किचन।